हेलो हेलो। थ्रू बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि GSTR 1 फाइल करते समय एक एरर आ जाता है, दैट इज एरर इन जेसन स्ट्रक्चर वैलिडेशंस। तो इस एरर को कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इस एरर को कैसे रिमूव किया जाए। जैसे मैं आपको एक बिल इनवॉइस रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ GSTR 1 में। ठीक है, B2B में हम एक इनवॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे मैं GSTIN नंबर डालूंगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। ऑनलाइन जब अपन फाइल करते हैं, ठीक है, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाके एक एक पार्टी का डालते हैं डिटेल। तो बताया ना आप लोग को, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किया, देखते हैं कि इस एरर को कैसे रिमूव किया जाए। जैसे मैं आपको एक बिल इनवॉइस यहाँ रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ GSTR। एड रिकॉर्ड फिर से डालते हैं ना, प्रिपेयर ऑनलाइन जब अपन सीखे थे कि ऑनलाइन में एक एक बिल का डिटेल हमें खुद डालना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग GSTIN डालते हैं तो ऑटोमेटिकली नेम अगर आ जाता है। में ठीक है, B2B में हम एक इनवॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे मैं GSTIN नंबर डालूंगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। मैं GSTIN नंबर को हाइड करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ GSTIN नंबर पुट करूंगा। और यहाँ इनवाइस नंबर पुट कर, इनवाइस नंबर हमारा जो है वो SPPB01। इनवाइस नंबर कैसा है देखो, ठीक और यहाँ इनवाइस नंबर पुट कर, इनवाइस नंबर्स कैसा है इनवाइस नंबर SP/PB/01 ब्रैकेट में क्या है 22 23, राइट। हमारा जो है वो SPPB01 प्लस PB प्लस 01। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनवाइस नंबर 22 23 ब्रैकेट में 22 23 प्लस 20। ये मान लीजिए इनवाइस नंबर। और इनवाइस डेट मैं यहाँ डाल देता हूँ टोटल इनवाइस वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो इनवाइस वैल्यू जो है 377,270.5। क्योंकि यार मेरे साथ वो इसका सॉल्यूशंस मैंने फाइंड आउट किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 377,275.5। ठीक है, और यहाँ पे मैं 18% के रेट से, 18% है तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालना होता है। तो मैं टैक्सेबल वैल्यू डाल देता हूँ 319,725, 319,725। ठीक है, 57,550। ये तो याद है, ये GSTR 1 कैसे भर रहा हूँ ये तो याद है ना आप लोग को, है ना। 0.50 मैं एक्सेल बना रखता हूँ, ये मैच भी कर सकते हैं आप। 57,550.50। ठीक है, और इसको मैं सेव, GSTIN नंबर डालते हैं अपन, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी रेट वाला आइटम है ना उसका टैक्सेबल वैल्यू डालते हैं, फिर CST है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एक एक बिल फीड, तो उसको भरते समय एक एरर आ जाता है, एरर की अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 550, ये 0.50 मैं एक्सेल बना रखता हूँ, ये मैच भी कर सकते हैं आप। 57,550.50। ठीक है, और इसको मैं सेव। ठीक है, सेव करने के बाद आप देखोगे, बैक करके आप चेक करो कि सेव ये हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है पेंडिंग एरर इनवाइसेस, मतलब एक इनवाइसेस एरर। ठीक है, इस पर मैं जब क्लिक करके चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं एक्शन पे एडिट बटन में क्लिक करूँ तो ये हमको बताएगा क्या एरर है। तो यहाँ एरर दिख रहा है, एरर इन, चेक करो कि सेव ये हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है पेंडिंग एरर, क्या दिख रहा है, पेंडिंग एरर्ड इनवाइस 1 प्रोसेस नहीं हुआ। नॉर्मली क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए प्रोसेस रिकॉर्ड 1। अगर कोई एरर नहीं रहता तो कहाँ था प्रोसेस रिकॉर्ड 1, यहाँ पे 0 लिखा होता, लेकिन क्या यहाँ 1 आ गया, मतलब एरर है, मतलब प्रोसेस नहीं हुआ, राइट। पेंडिंग पेंडिंग एरर इनवाइसेस, मतलब एक इनवाइसेस एरर। ठीक है, इस पे मैं जब क्लिक करके चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं एक्शन पे एडिट बटन में क्लिक करूँ तो ये हमको बताएगा क्या एरर है। तो यहाँ एरर दिख रहा है, क्या लिखा है, एरर इन जेसन स्ट्रक्चर वैलिडेशन, इसमें एरर है। तो
जेसन स्ट्रक्चर वैलिडेशन, और क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि एक्चुअल में एरर क्या है, ठीक है, एरर इन जेसन स्ट्रक्चर वैलिडेशन, ठीक है, मतलब ये जेसन स्ट्रक्चर वैलिडेशन में एरर दिखा रहा है। तो सिंपली ये एरर इसलिए दिख रहा है कि आपने यहाँ जो इनवॉइस नंबर ब्रैकेट वगैरह में लिखा है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ये इनवॉइस नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, आप अगर मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एरर है वो किसकी वजह से है, यहाँ ब्रैकेट में डेटा है, किसमें है, ब्रैकेट में इनवॉइस नंबर है जो ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को हटा दूंगा, इस टाइप के इनवॉइसेस नंबर ब्रैकेट वगैरह हटाना, तो इसको आपको रिमूव करना। तो मैं यहाँ बैक करूंगा पहले एंड इसको डिलीट कर देता हूँ, इस इनवॉइसेस को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि प्रोसेस हो चुका है तो ये एडिट नहीं होगा। तो मैं इसको डिलीट करके आपके सामने फिर से इनवॉइस नंबर को ऐड करूँ, ठीक है, एड रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पे GSTIN नंबर पुट कर देता हूँ, या इनवाइस नंबर में जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको नहीं रखे कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो SPPV01 केवल लगना है आपको, SP एंड इनवाइस डेट 0 अक्टूबर, टोटल इनवाइस वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टोटल इनवाइस वैल्यू 377,275 जो और यहाँ 18% के रेट से यहाँ पे हम क्या कोट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू 3,19,70, ठीक है, और यहाँ पे 57,550.50 ये मैच कर लिया अपने, बराबर है, इसको हम सेव करें। अब आप देखेंगे कि एरर जो है अगर हम बैक जाके देखें तो एरर वो हट चुका है। तो कभी कभी आप ब्रैकेट में अगर कोई भी चीजें डाल रहे हैं ईयर वगैरह क्या हो गया, वो एरर अब यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब वो एरर किसकी वजह से आ रहा था, ब्रैकेट में, मतलब आपका इनवॉइस नंबर किस पे ब्रैकेट में नहीं होना, राइट, क्योंकि इस पे कोई वीडियोस नहीं बना था, यूट्यूब पे भी नहीं था, बहुत हमने सर्च किया नहीं कहीं मिला, ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखा तब जाके मुझे। तो अगर इस टाइप का एरर अगर आपको दिखेगा तो आपको क्या कर लेना है, इसको क्या कर लेना है सर, ब्रैकेट को हटा देना, दैट्स इट, जो कि वो जैसन फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और ये मैं ऑनलाइन भर रहा हूँ, ठीक है, ये रिटर्न जो मैं फाइल कर रहा हूँ किस पे क्लिक करके भर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन फाइल कर रहा हूँ, ऑनलाइन इन द सेंस कि यहाँ मैं बैक करके दिखा रिटर्न डैशबोर्ड पे, प्रिपेयर ऑनलाइन, राइट, प्रिपेयर ऑनलाइन, इस पे क्लिक करके भर रहा हूँ। तो इस टाइप्स के अगर आपको इनवॉइसेस में दिक्कत जा रही है, ठीक है, जैसे मैं B2B पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर एक ऑलरेडी हमारा प्रोसेस हो चुका है और यहाँ इनवॉइसेस को यहाँ पे फिर अब मान लो दूसरी इनवॉइस को भी पुट करना है तो क्या करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक, इनवॉइस, तीसरा इनवॉइस, तो ये क्या कौन से मेथड से हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कौन से रिटर्न से, तो एक एक बिल को फीड करना, ऑफलाइन क्या कहलाता था आप लोगों को बताया, तो टैली के डेटा को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अटैच कर देना था ऑफलाइन, ठीक है, क्लियर हो गया ये एरर क्या है ना, एरर क्या था कि आपका इनवॉइस नंबर ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, तो ऐड करूंगा। तो ये एरर आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पेंडिंग एरर्स था, पेंडिंग एरर इनवॉइसेस था, वो यहाँ से रिमूव। इसी तरीके से GST से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्लियर है आप लोग को।